भाभी साहब, भाभी साहब वो आपकी एक मदद चाहिए थी। वो स्टोर रूम के अंदर वाले कमरे में ना मेरी एक संदूकची पड़ी है, संदूकची, तो उसका हत्ता जाम हो गया है। अब आप चलकर खोल दोगे? मैं खोल दूंगी, चलो। भाभी साहब आप चलिए, मैं आता हूँ। भाभी साहब को तो भेज दिया, अब सूरज भैया की बारी। सूरज भैया वो स्टोर रूम में ना मेरी एक संदूकची पड़ी है, उसका हत्ता जाम हो गया, आप चलकर खोल दोगे? छोटू बाद में। खोल दो ना सूरज भैया। चल ठीक है। में से छोटू वाला संदूक कौन सा है? गम में साज पिया जी, मारे पंख थी तू परवाज पिया, थारो मारो मिलन ऐसा लागे रे साथी जसो पिया और बाकी हो गया और कहीं आपको भी छोटू ने कहीं ये बोल के तो नहीं बुलाया कि उसकी संदूकची का हत्ता? हाँ। मैं वो वही उसकी संदूकची ढूंढ रहा था। वो लगता है फिर से किसी फिल्म की तरकीब है उसकी, जो आपको और मुझे यहाँ पे। मैं पूछता हूँ उससे। आप छोटू, तू अब आप बन गया श्रीमान छोटू कुमार। और आप कहाँ जा रहे थे? छोटू, तूने बोला था तेरा संदूक कहाँ है, वो मिल नहीं रहा, कहाँ है? और पहली बात, माफी सूरज भैया, माफी भाभी साहब, वो आप दोनों ने यहाँ बुलाने के लिए थोड़ा गप्पू गपोड़ी बनना पड़ा। छोटू पहले ये तो बता कि ये मेला लगा क्यों है? वो भाबो ने भाभी सा को सारी औरतों को समझाने के लिए कहा था ना, तो भाबो ने जैसे ही वो बोला झटाक से करके फटाक से मेरे दिमाग में एक तरकीब सी आ गई। किसी फिल्म से उठाया ना? नाना सूरज भैया, ये तरकीब फिल्म की ना है, ये तो हमारे दिमाग की कढ़ाई से तल के निकाली है। छोटू माना माना, ये मैंने गाँव में देखा था। अरे बाबा छोटू, लेकिन पहले ये तो बता कि तरकीब क्या है? तरकीब ये है कि हम ना एक बड़ा सा भोपू लेंगे, उसको ना एक रिक्शे में धर देंगे, फिर उस रिक्शे को पूरे हनुमान गली पूरे पुष्कर में घुमाएंगे और उस भोपू से चिल्लाते चिल्लाते हुए कहेंगे कि कूड़ा कचरा घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए, उससे ना बीमारियां फैलती है। हाँ ऐसा आइडिया बुरा नहीं है, पर कहीं ऐसा ना हो कि लोग एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे। जगह जगह बोर्ड्स भी तो लगे होते हैं कि अपने शहर को साफ रखो स्वच्छ रखो, पर कोई कहाँ मानता है। तो फिर ऐसा करते हैं कि हम सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं। लेकिन भाभी साहब इकट्ठा करेंगे तो लोग हमारी बात सुनेंगे क्यों, आएंगे क्यों हमारे पास, और कोई फिल्म या पिक्चर थोड़ी ना चल रही है। छोटू ये आइडिया ठीक है,
हम सबको फिल्म दिखाते हैं। हाँ हाँ, अरे बहुत अच्छी तकरीब है। पर भाभी साहब, ऐसी कोई फिल्म तो निकली नहीं है जिसमें साफ सफाई के बारे में दिया गया हो। मैंने तो नहीं देखी, आपने देखी है? मैंने भी नहीं देखी। फिल्म नहीं तो नाटक? हाँ नाटक, लेकिन वो नाटक करेगा कौन? कठपुतली। अरे वाह भाभी साहब, आपका दिमाग ना कंट्यूपर जैसा चलता है। कंट्यूपर नहीं, कंप्यूटर। हाँ वही। तो फिर ठीक है, हम सबको कठपुतली का नाच ही दिखाएंगे। पर हाँ, कठपुतली बनाएगा कौन? अरे भाभी साहब, हमारे बीच में ना एक बहुत बड़ा कलाकार है। आप? मैं? नाना भाभी साहब, सूरज भैया नहीं, वो भी एक कठपुतली की तरह ही है और पूरे दिन बड़बड़ 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 करती रहती है। चतुरी, तुम्हें तुम्हें आता है कठपुतली बनाना? वो मेरी माँ है ना, वो कठपुतलियाँ बना के बेचती थी। हाँ बस उन्हीं से सिखा है। तुम मुझे सिखाओगी? आपको? भाभी आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपके सामने तो हम सब गवार कठपुतलियाँ हैं, आप सीखकर क्या करेंगी? चतुरी, मैंने कुछ किताबों से सीखा है और तुमने कुछ जिंदगी से, और अभी तो मेरी जिंदगी से सीखने वाली पढ़ाई शुरू ही हुई है। जितना पढ़ने को मिले उतना ही अच्छा है, और कभी अगर तुम्हें कुछ किताबों वाला सीखना हो तो उसमें तुम्हारी मदद मैं करूँगी। सच? वो सब तो हो जाएगा, लेकिन कठपुतलियाँ करेंगी क्या? कुछ कहानी भी तो चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे? उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो, कठपुतलियाँ क्या बोलेंगी क्या करेंगी वो सब मैं संभाल लूंगी। सूरज भैया, और रही दुकान की बात, तो पपूड़ा है ना, मैं उसको बोल दूंगा, वो एक दिन के लिए तो दुकान संभाल ही लेगा। ठीक है, तो अभी करना क्या है, कहाँ से शुरू करें? आगे ना कठपुतली बनाने का सामान, वो भी तो लाना पड़ेगा ना, मंत्र पढ़ के कठपुतलियाँ पैदा तो नहीं होने वाली है ना? वो तो मीनाक्षी भाभी की दुकान से मिलेगा, वहाँ कौन जाएगा? वहाँ से मैं लाऊंगी, जब जाऊंगी तो सवालों की बरसात तो करेंगी और फिर पीछा ही ना छोड़ेंगी, लेकिन मैं उन्हें संभालना अच्छी तरह जानती हूँ। चतुरी, ले तो एक काम कर, ये पैसे रख सामान लाने के लिए। सूरज साहब, आपको पता है माथे पे लगी क्लिप से लेकर पाँव में पहनी पायल तक सब इसी घर से आया है। अब अपनी भाभी के काम में जुड़ रही हूँ तो क्या उसके भी पैसे लूंगी? कोई जरूरत नहीं है। चतुरी, तेरा साथ ही काफी है, वही हम सबके लिए अनमोल है। ये ले पैसे रख, कुछ कम पड़े तो और ले लेना। बढ़िया है, तो मैं कैची और सुई धागा लेके आता हूँ, और मैं ना गोटा कपड़ा जटी और सितारे लेके आती हूँ। हाँ, और मैं क्या लेकर आऊं? आप तो सबसे जरूरी काम करेंगे, आप तो सबको जोड़ने के लिए, सबको चिपकाने के लिए। मोहित ये छवि से गोंद ले आइए, सारा सामान तो उसी से जुड़ेगा ना। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ।